हेलो दोस्तों, के साथ की बड़ी खबर निकल कर रही है चंबल नदी से। चंबल में बाढ़, पानी में डूबे 20 गांव, 25,000 की आबादी प्रभावित, राहत और बचाव कार्य शुरू हो गए हैं। जी हां दोस्तों, चंबल माई बाढ़ से पिनाहट में 20 गांव पानी में डूब गए हैं, 25,000 से अधिक आबादी प्रभावित हो चुकी है, पशु लापता हो गए हैं, झोंपड़ियाँ पानी में बह रही है, दो लोगों की जान PSC ने बचाई है, 38 से अधिक गाँव में खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। बृहस्पतिवार को DM प्रभु एन सिंह, ASP मुनिराज और क्षेत्रीय विधायक पक्षालिका सिंह ने आपदा बचाव दल के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, राहत व बचाव कार्य शुरू कराए गए। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित मऊ की मढ़ैया, रानीपुरा और भटपुरा, गढ़ा आदि 10 गांव खाली कराए हैं। निचले इलाकों से लोगों को ऊंचे स्थानों पर भेजा जा रहा है, वहीं उनके लिए अस्थायी टेंट लगाए हैं। 20 से अधिक गाँव का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। पिछले 24 घंटे में 2 मीटर जलस्तर चंबल का और बढ़ गया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर रही है, बुधवार को चंबल 134 मीटर पर बह रही थी, जो गुरुवार को बढ़कर 135.80 मीटर पहुंच गई है। खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रही चंबल से तटीय 38 गांव प्रभावित हुए हैं। स्कूल, पंचायत घर, झोंपड़िया व खेत खलिहान जलमग्न हो गए हैं। नुकसान का आकलन शुरू नहीं हो सका है। DM प्रभु एन सिंह का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में राशन सामग्री, दवाइयां वितरित कराई जा रही हैं, आपदा प्रबंधन दलों मदद में जुटे हैं। उन्होंने कहा, चंबल का जल स्तर स्थिर है, अगले 24 घंटे में जल स्तर बढ़ने के आसार नहीं है, स्थिति नियंत्रण में आएगी अगले 24 घंटे के अंदर। तो दोस्तों, चंबल की वजह से पूरे के पूरे आसपास के सभी क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और कम से कम 20 गांव तो ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। तो दोस्तों, कोटा बैराज के जब से 10 गेट खोले गए हैं और पानी की निकासी की जा रही है, तब से चंबल में ये बाढ़ के हालात बने हैं। साथ ही कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इन सभी क्षेत्रों में अत्यधिक बरसात हो रही है, जिसकी वजह से इन सभी क्षेत्रों को पानी चंबल में जा रहा है और वहाँ से ये बाढ़ के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आने वाले समय में और ज़्यादा बरसात होती है तो चंबल खतरे के निशान से बहती रहेगी और इसी प्रकार के हालात बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी बिल्कुल ताज़ा खबर कोटा बैराज से साथ साथ चंबल नदी की, जो हमने आपको बता दी है। अगर आप इसी प्रकार की रोजाना खबर पाना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।